बाबर आजम ग्रेट इनिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका। बाबर ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए बगैर कोई प्रेशर लिए 27 गेंदों पर 50 मुकम्मल की और पाकिस्तान के लिए जीत की राह हमवार की। बाबर ने तमाम बॉलर्स की धुलाई मजीद तेज कर दी, चाहे वो स्पिनर थे या फास्ट बॉलर्स, और देखते ही देखते सिर्फ 49 गेंदों पर अपने T20 करियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बाबर आजम पुरजोश अंदाज से सेलिब्रेशन करते हुए और रिजवान से गले मिलते हुए दिखाई दिए और डग आउट में बैठे तमाम प्लेयर्स बाबर के इस ग्रेट 100 पर तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबर आजम ने अपनी इस तारीख साज इनिंग में 58 गेंदों पर 122 रन स्कोर किए। ये किसी भी पाकिस्तानी बैटर की तरफ से स्कोर की गई सबसे बड़ी T20 इनिंग तो है ही, साथ ही साथ ये T20 हिस्ट्री की रन चेज के दौरान स्कोर की गई सेकेंड हाइएस्ट इनिंग भी है। नंबर 2, विराट कोहली 82 वर्सेज पाकिस्तान। दोस्तों, ये T20 वर्ल्ड कप 2022 का पाकिस्तान और इंडिया के मबैन खेला गया एक मोस्ट थ्रिलिंग और हार्ट ब्रेकिंग मैच था, जो कि लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक फंसा रहा। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए शान मसूद और इफ्तखार की 50s की मदद से इंडिया को जीतने के लिए 160 रन का टारगेट दिया। दोनों इंडियन ओपनर्स तो बहुत जल्द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के आगे ढेर हो गए, मगर तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में उतरे विराट कोहली। आखिरी 10 ओवर्स में कोहली ने पाकिस्तानी स्पिनर समेत फास्ट बॉलर्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। 18वें ओवर में कोहली ने मेन पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी को 70 रन मारे और 43 गेंदों पर 50 भी मुकम्मल कर ली। अब इंडिया को जीतने के लिए 12 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे और दोनों टीम्स फुल प्रेशर में थी। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इन लास्ट 2 ओवर्स को देखने के लिए सारे कामकाज छोड़कर टीवी के आगे बैठ चुके थे। 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने हारिस रऊफ को 2 लगातार छक्के मारकर हर तरफ कोहराम बरपा कर दिया। आखिरी ओवर में इंडिया को 16 रन तो चाहिए थे, मगर मोहम्मद नवाज अपने आप पर कंट्रोल न कर पाए और कोहली ने चेज मास्टर होने का सबूत देते हुए इंडिया को एक यादगार फतह दिलवाई। विराट कोहली ने अपनी इस ऑल टाइम ग्रेट इनिंग में 53 गेंदों पर 82 रन किए और नॉट आउट रहे। नंबर 1, क्रिस गेल ऑल टाइम बिगेस्ट इनिंग्स। फाइनली अब हम आपको एक ऐसी बिगेस्ट और जबरदस्त इनिंग के बारे में बताने वाले हैं, जो कि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के बल्ले से आई। ये IPL 2013 का RCB वर्सेज पुणे मैच था, जिसमें गेल ने RCB की तरफ से एज ए ओपनर बैटिंग करते हुए पुणे वॉरियर्स के बॉलर्स को दिन के तारे दिखा दिए। गेल ने तने तनहा लाठी चार्ज करते हुए ओवरऑल T20 क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनिंग खेल डाली। गेल ने अपनी इस हिस्टोरिकल इनिंग में 66 गेंदों पर 175 रन बनाए और नॉट आउट रहे। खूंखार बैटर की इस इनिंग में 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी T20 क्रिकेट की टॉप 10 ग्रेटेस्ट इनिंग्स। इनमें से आपकी फेवरेट इनिंग या फिर फेवरेट प्लेयर कौन सा है, वो आप हमें कॉमेंट्स में बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज 786 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।